मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के विधायक और भाजयुओ के नव नियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष सिंह आसू ने अपनी पार्टी के स्टैंड का समर्थन करते हुए यह मांग की कि जो बाहरी लोग हैं उनको बाहर करना चाहिए। असम में बांग्लादेशियों घुसपैठियों को लेकर आरसी के मुद्दे पर योगी सरकार के विधायक और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नव नियुक्त उपाध्यक्ष आशीष सिंह आसू ने अपनी पार्टी के स्टैंड का समर्थन किया, वही विपक्ष को आड़े हाथों लिया। हरदोई की मल्लावा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के युवा विधायक व भाजयुमो के उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद पहली बार लंबे चौड़े काफिले के साथ हरदोई आए भाजपा विधायक आशीष सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी का स्टैंड एकदम क्लियर है। जो हमारी पार्टी का स्टैंड है वह एकदम सही है। जो बाहरी लोग हैं उनको बाहर करना चाहिए। कहा कि हमारे देश के लोगों को जो हक वह लोग मांग रहे हैं वह लोगों को ना मिलना चाहिए और हमारी जो पार्टी ने निर्णय लिया है वह एकदम सही है। कहा कि विपक्षी दलों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। विपक्षी दल क्या क्या करते हैं यह आप सब लोग जानते हैं। उन लोगों को चाहे बाहर से आए चाहे अंदर से आए, बस उनको किसी तरह सत्ता मिल जाए इस देश को बेच देंगे का काम करेंगे वह लोग। इसलिए हमको देश को सुरक्षित रखना है, इसलिए बहुत आवश्यक है। असम में इस समय एनआरसी लगने की कुछ चर्चा हो रही है, क्या इसमें आपको क्या एनआरसी पर क्या कहना है आपको? हमारी पार्टी का स्टैंड एकदम क्लियर है। जो हमारी पार्टी का स्टैंड है वो एकदम सही है कि जो बाहरी लोग हैं उनको बाहर करना चाहिए और हमारे देश के लोगों को जो हक वो लोग मार रहे हैं उनके उनसे उनको न मिलना चाहिए और हमारी जो पार्टी ने निर्णय लिया है एकदम सही। जो विपक्षी दल है इस पर आप बहुत आरोप लगा रही हैं आपकी पार्टी। विपक्षी दलों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। विपक्षी दल क्या क्या करते हैं ये आप सब लोग जानते हैं कि उन लोगों को बाहर से आए चाहे अंदर से आए, बस उनको किसी तरह सत्ता मिल जाए इस देश को बेच देने का काम करेंगे वो लोग। इसलिए हमको देश को सुरक्षित रखना है, इसलिए ये बहुत आवश्यक है। पेश है हरदोई से हमारे संवाददाता सुनील कुमार की खास रिपोर्ट।